हेलो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि विमेन्स मल्टी टैलेंटेड होती हैं। अपने हर एक काम को फुल डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ करती हैं। बट हमारे डेली लाइफ में ऐसी कितनी ही बातें होती हैं जिनको हम किसी से शेयर करना चाहते हैं, बट हमें कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है और ना ही कोई सही राय देने वाला होता है। तो आज है संडे और पिछले एक हफ्ते में आप में से बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की हैं जो वो किसी और से नहीं बता पाती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने इस सारी स्त्री कॉर्नर फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी से डिस्कस करना चाहते हैं बट हेजिटेशन की वजह से या फिर किसी और रीजन से आप शेयर नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं या फिर जो मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, किसी के पास भी अगर आपकी बात का सलूशन होगा तो हम कमेंट करके जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट संडे को मैं फिर से डिस्कस करूंगी इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना ये वाला कमेंट कि ये कोई भी काम शुरू करती हैं पर वो करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, मतलब वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये तब होता है जब हमें अपने कामों को लेकर के क्लियरिटी नहीं होती है। एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं हमें ये नहीं पता होता है, और अगर हम उस काम को शुरू कर देते हैं तो वो काम पहले तो चलेगा बट बाद में वो बनते बनते बिगड़ जाएगा, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। हम सिर्फ करते चले जाते हैं, बाद में हमें रियलाइज भी होता है कि अरे ये तो हम गलत डायरेक्शन में आ गए। बट कोई नहीं, देखिए कोई भी काम या तो बनता है या तो बिगड़ता है। अगर वो काम बन गया, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी बात है, आप वही चाहते थे इसलिए आपका वो हुआ। अगर वो काम नहीं बना, वो काम बिगड़ गया, कोई नहीं, आपको एक्सपीरियंस हुआ। नेक्स्ट टाइम आप जब वो काम दोबारा करेंगे तो वो जो आपका अनुभव था वो आपके काम आएगा और आप अपने उस काम को और भी बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हताश मत होइए, और ये तो लाइफ का एक पार्ट है। हम सबके साथ ऐसे डेली कितने ही काम होते हैं जो बनते हैं बिगड़ते हैं। बस अपनी चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी रखिए कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाहती हैं। कोई भी काम अगर आप नया शुरू कर रही हैं तो पहले उसको क्लियरिटी रखिए कि ये आप शुरू कर रही हैं तो कहाँ तक पहुँच पाएंगी, आप कर पाएंगी या नहीं। और अगर नहीं कर पाएंगी तो ठीक है यार, सीख लेंगी, शुरुआत कर रही हैं वही बड़ी बात है। और गलतियां तो हम सबसे होती हैं, कोई भी भगवान नहीं है, गलतियां कर करके ही तो हम सीखते हैं। बट हाँ, अपनी गलतियों से सीखिएगा जरूर, ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, मेरी एक फ्रेंड है मथुरा की, मैं उनका कॉमेंट आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आई थिंक 80% घरों में होता ही है और हम सबके साथ होता है। वो बोल रही है कि मैं अपने घर में अपना 100% देती हूँ, अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ बट फिर भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, स्पेशली अपने इन लॉज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारी जो सोसाइटी है ना, इनका एक जो माइंड सेटअप ये होता है कि जब घर में बहू आती है तो बहू हमें टाइमली हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगी, चाय पानी नाश्ता, घर को साफ सुथरा रखेगी, मतलब हमें एक VIP ट्रीटमेंट देगी। ये हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी होती है। और कहीं ना कहीं हम जब बहू बन के नए घर में जाते हैं तो हम ऐसे ही ट्रीट भी करते हैं लोगों को, क्योंकि हमें खुद भी उस नए घर में सेट होना होता है, इसलिए अपना 100% देते हैं और लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही हम उनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें भी तो उस घर में अपनी जगह बनानी होती है। बट फिर भी जब सपोर्ट नहीं मिलता है कुछ टाइम बाद, जब कुछ करना चाहती हैं, आपको लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम होगी यार, ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपने, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, ऑब्वियसली बात है कि आपको जो टाइम वहाँ काम पे देना था उन्हीं में से आप टाइम चुरा चुरा करके अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालेंगी, तो थोड़ी बहुत तो लेट होगी ही। और जो इतने सालों से आप काम करते हुए आई हैं, उनको चीज़ें टाइम पे प्रोवाइड करते हुए आई हैं, उन सब चीज़ों की उन लोगों को आदत लग चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं वो सारे लोग। अब जब लेट हो रहा है, जब चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, मिल भी रही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उनको ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। आप सिर्फ इतना कर सकती हैं कि बैठ के उनको प्यार से समझाइए कि
मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प करिए, और जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो आप लोगों को हताश नहीं करूंगी। जैसे आज अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही हूँ, ऐसे ही मैं कल भी निभाऊंगी। बस आज आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप एक बार उनको प्यार से बैठ के समझाइए, देखिए कि बात कहाँ पे है जहाँ बिगड़ रही है। अगर बात बन रही है तो बहुत ही अच्छा है, अगर बात नहीं बन रही है तब जरूरत है आपको वहाँ से कट होने की, तब कोई और रास्ते की तरफ आप सोचिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए उनको बैठ के समझाने की। और ये एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो आप नहीं, हम में से मोस्टली जो हमारी फ्रेंड्स हैं जो हाउसवाइफ है, ये सब सफ़र करती हैं। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर कि इनके बच्चे ट्वीन्स हैं, छोटे हैं, पढ़ाई तो करना चाहती हैं बट टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे मैनेज करें, अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि अभी आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपके बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है ना, ये बच्चों का, छोटे बच्चे हैं, इनका पूरा फ्यूचर इसी टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। और अगर अभी थोड़ी सी आपने लापरवाही की तो बाद में बच्चे तो सफ़र करेंगे ही, उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आपके बच्चे बहुत ही छोटे हैं, अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं, पूरा फोकस अपने बच्चों पे दीजिए जब तक वो एक साल के नहीं हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और वो टोटली अपनी माँ पे डिपेंड हैं। अभी तो पूरा ही फोकस आपके सिर्फ और सिर्फ बच्चे होने चाहिए। हाँ, अगर बच्चा छोटा है, न्यू बॉर्न है, तो होता क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए सोते हैं। जैसे कि अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो वो तो थोड़ा सा फीडिंग करेगा, 2 घंटे सोएगा, फिर फीडिंग करेगा, फिर 2 घंटे सोएगा। तो इस टाइम पीरियड में स्टार्टिंग के 1 महीने तो आपको रेस्ट ही करना होगा, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई रिस्टार्ट कर सकती हैं। आपका बेबी सो रहा है तो उस टाइम आप पढ़ाई करने का सोच सकती हैं, अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो। खुद पे प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अभी थोड़े से ना मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं, तो अगर आपकी बॉडी आपका माइंड आपका साथ दे रहा है तो पढ़ाई की तरफ आप फोकस कर सकती हैं। बच्चे जब तक 6 महीने के नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनकी मदर चाहिए, उनको थोड़ा बहुत फीडिंग कराना है और बच्चे सोएंगे अपना। बच्चों को फीडिंग कराते टाइम हम रेस्ट कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। अब अगर आप उन चीज़ों को नेगेटिवली लेंगी तो आपको लगेगा यार कि जब बच्चे सो रहे हैं तो उस टाइम तो हम सोते हैं, फिर हम कब सोएं। मतलब अगर आपको नेगेटिव चीज़ें खोजनी है तो बहुत से मिल जाएंगी, बट अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अपने लाइफ में कुछ करना है ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, तो आप थोड़ा सा खुद को पहले एक्टिव रखिए। उसके लिए अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड साथ नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले अपने बॉडी को ठीक करिए, अपने माइंड को रिलैक्स करिए और फिर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाइए। स्टार्टिंग करिए 15-20 मिनट से ही, और अगर आपके घर में आपके इन-लॉज हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि अगर आपके ट्वीन्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। 2 बच्चों को एक साथ संभालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सेम एज ग्रुप के, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं बट उनके बीच में 2.5 साल का डिफरेंस है। तो अगर आपके बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी, और ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कोई ना कोई आपके साथ होगा ही। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, लोग कैसा चाहते हैं उनको वैसे ट्रीट करिए, ताकि जब वो आप पे खुश रहेंगे तो वो आपके बच्चों को संभाल पाएंगे। आप मेरी बातों को समझ पा रही होंगी मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ। मीन्स अपने जो इन-लॉज है ना, वो जैसा चाहते हैं आप वैसा ही उनको ट्रीट करिए। अगर वो आप पे खुश रहेंगे तो आपके बच्चों को पूरा हैंडल कर लेंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने अपने बच्चों को पाला है तो उन्हें अच्छा खासा अनुभव है, बट वही है कि उनका अनुभव आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, जो चीज़ें वो चाहें उनको वैसे ही ट्रीट करिए जिस तरीके से वो चाहें, और जब वो आप पे खुश रहेंगे तो आपके बच्चों को भी संभाल लेंगे। 2-2 बच्चों के बावजूद आप पढ़ना चाहती हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, तो आप बिल्कुल हताश तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपने जो सबसे पहली लड़ाई होती है ना, वो आपने यही जीत ली है कि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद आपके अंदर ये जुनून है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। मैं आगे गवर्नमेंट टीचर बनूंगी नहीं बनूंगी मुझे नहीं पता, हाँ बट मैं लाइफ में सक्सेस जरूर होंगी ये मुझे पता है।
वैकेंसी नहीं आ रही है, ये मेरे हाथ में नहीं है, कितने सालों बाद आएगी, मेरी तैयारी उस टाइम कैसी रहेगी मुझे नहीं पता, हाँ बट मैं अपनी लाइफ में सक्सेस होंगी ये मुझे पता है। गवर्नमेंट टीचर ना सही, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करा सकती हूँ। मेन मोटिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, खुद के लिए अर्न करना, इंडिपेंडेंट होना, तो वो सारी चीज़ें मैं प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करा करके भी पूरा कर सकती हूँ। जो बातें मेरे हाथ में नहीं हैं उनके लिए बैठ के रोना रोने से बेटर है कि जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिन पे आप काम कर सकती हैं, उन पे काम करिए, उनको साइड करिए। जो आपके बस में नहीं हैं, जो चीज़ें आपके बस में हैं उन पे फोकस करिए और अपने ड्रीम्स के लिए लगे रहिए। अगर आपके अंदर इतना पैशन है कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसे मरने मत दीजिए। अपने सपने आज नहीं तो कल आप पूरा जरूर करेंगे। सिर्फ खुद को पॉजिटिव रखिए, बाकी ये आसपास के लोग क्या बोलते हैं इनको लेट गो करिए। यूट्यूब पे ही 98% लोग मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मुझे भी मोटिवेट करते हैं, बट यहीं पे 2% लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे बहुत गंदा और नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब जिनको पढ़ करके एक बार में पता चल जाता है कि उनकी मेंटालिटी कैसी है, तो दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप पे फोकस करिए। अगर आप खुद ठीक रहेंगी तो आप अपने बच्चों को देख लेंगी, बच्चों के साथ साथ आप अपने ऊपर भी फोकस कर पाएंगी, अपने करियर पे फोकस कर पाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फिजिकल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अपने फिजिकल हेल्थ और अपने मेंटल हेल्थ पे पहले काम करिए, अपनी बॉडी को ठीक करिए, अपने माइंड को शांत करिए और लग जाइए अपने काम के ऊपर। तो बस अब आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वरना फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसी क्वेरी होंगी जो आप किसी से पूछना तो चाहते हैं बट आपको कोई मिलता नहीं है, या फिर कोई आपकी बातों को समझता नहीं है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं या फिर मेरी स्त्री कॉर्नर फैमिली में से कोई ना कोई आपको कमेंट करके जरूर बता देगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को हैशटैग हम सब पे। ये मैं एक सीरीज चला रही हूँ जो मैं सिर्फ संडे संडे ही करने वाली हूँ, हैशटैग हम सब। और अगर आपके पास कोई सजेशन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। तब तक ख्याल रखिए अपने फिजिकल हेल्थ का और अपने मेंटल हेल्थ का, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने सारे काम बेटर वे में कर पाएंगी और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी हेल्दी रखेंगी।